समझदार होने का एक नुकसान ये भी है कि हजारों बातें दिल के अंदर ही रह जाती हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा रिश्तों को गुमराह कर देते हैं। याद रखना कि जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ए वक्त कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना कि किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरे बाजार को खरीदने की औकात रखते थे। जीवन में कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। पहली बार में हम हमेशा गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं तब तक हम उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यदि हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा बन कर रहो। यदि कुछ पाना है तो पहले कुछ देना सीखो। यदि जीवन में सुखी रहना है तो लोगों के दुख लेना सीखो। अगर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ अच्छा करना सीखो। याद रखना कि गलती की माफी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल, सब फुर्सत में है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। याद रखिए कि इतना बदल जाना है कि लोग तरस जाए पहले जैसा देखने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो एक मदारी भी करता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हमेशा नादान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के समय कोई भी समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। इज्जतदार लोग ही दूसरों को इज्जत देते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं वो दूसरों को क्या इज्जत देंगे। सभी को खुश रखने की क्षमता भले ही आप में ना हो, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे ये तो आपके हाथों में है। अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त जरूर रखिए, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। इस वक्त ने जरा सी करवट क्या ले ली, हमने गैरों की लाइन में सबसे पहले अपनों को ही पाया। सिर्फ जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जिंदगी में कभी भी ऐसे व्यक्ति पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई ना हो, क्योंकि जिस दिन परमात्मा ने उस व्यक्ति की सुन ली उस दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है। जब वो होता है तो किसी को उसकी याद नहीं आती, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हर चीज को बेस्वाद कर देता है। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से आशिया बना लेता है। अपने आप को विशेष मानकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझकर नहीं बनाया। गुस्सा आंधी और तूफान सब पराए हैं, लेकिन इनके आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है। जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वो रोता नहीं है, वो खामोश हो जाता है। जीवन में असली सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़ना ही होता है। वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि वो बदलता जरूर है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। यदि आपने जीवन में इन तीन बातों को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, जब भी आपसे कोई गलती हो उसे मानना सीखो, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। दूसरा, यदि किसी काम को करने में आप हजारों बार असफल भी हो जाएं, उसके बाद भी आप उसे करना ना छोड़े। और तीसरा, दूसरों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। आपके अपनों को आपकी सफलता सिर्फ तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उनसे पीछे हैं। जिस दिन आप उनसे आगे निकल जाएंगे आप उनकी आंखों में खटकने लगेंगे। कड़वा है लेकिन सच है। जब भी कभी बारिश शुरू होती है तो बाकी सारे पक्षी अपना अपना घोंसला ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चील एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर चला जाता है और उसे बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि समस्याओं से बचने के लिए नहीं उन्हें खत्म करने के लिए काम करें। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम, कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जीवन में इन तीन लोगों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन काल कम हो सकता है। पहला, जो आप पर हमेशा शक करते हो। दूसरा, जो अपना काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हो। और तीसरा, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि कल वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेंगे।
आपने महान लोगों के बहुत सारे ऐसे स्टेच्यूज देखे होंगे जिसमें कभी घोड़ों के दोनों पैर ऊपर होते हैं, कभी एक पैर ऊपर होता है तो कभी चारों पैर नीचे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा मानना है कि जब कोई ऐसा स्टेच्यू हो जिसके दोनों पैर ऊपर हो, इसका मतलब वो योद्धा युद्ध के दौरान मारा गया था। जब किसी घोड़े का सिर्फ एक पैर ऊपर हो, इसका मतलब उस योद्धा को उस युद्ध के दौरान चोट लगी थी। और यदि घोड़े के चारों पैर नीचे हैं, इसका मतलब वो योद्धा युद्ध के दौरान नहीं मरा था। ये मानना है अमेरिका और ब्रिटेन का। इसलिए आप भारत के स्टेच्यूज को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि इतने खुश कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिया जिससे पीछे छोटे रास्ते और रिश्ते नजर आते हो। और हमारे इस रिश्ते को भी कायम रखने के लिए मेरी टिकटॉक की आईडी पर जाकर यहाँ पर क्लिक करें और मुझे फॉलो करें। आज मैं आपको बताता हूँ एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। सफल व्यक्ति हमेशा माफ करने की बात करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा बदला लेने की बात करता है। सफल व्यक्ति सोचता है और उसे करके दिखाता है, जबकि असफल व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है। सफल व्यक्ति हमेशा सीखने की बात करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा आराम करने की बात करता है। सफल व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है, जबकि असफल व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाता है। याद रखना, ये चार चीजें कभी किसी को मत बताना। पहला, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स। दूसरा, आपका बड़ा प्लान। तीसरा, आपकी लव लाइफ। और चौथा, आपकी इनकम। सिगरेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान आज बहुत अमीर है। शराब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान आज बहुत अमीर है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे बनाने वाला किसान आज बहुत गरीब है। गीता जी के पहले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में जब अर्जुन अपने सामने दुश्मनों के रूप में अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है, उनके हाथों से उनका धनुष भी गिर जाता है और वो खुद भी गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती होंगी जब आप किसी नए काम को करने के लिए जाते हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जाते हैं, तब भी आपके साथ ऐसा ही कुछ होता होगा। उस समय आपको दो चीजें चाहिए। पहला, खुद के ऊपर विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, और दूसरा कि जो भी अब मैं करने वाला हूँ उसमें किसी का कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि सबका भला ही होगा। जब भी आप इन दो चीजों के साथ किसी भी काम को करने जाएंगे तो आपको किसी भी काम को करने में घबराहट नहीं होगी। शहर बसाकर आप सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है लोग, हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आप छांव ढूंढते हैं। रास्ते में चाहे कितने भी कंकर हो, लेकिन एक अच्छा जूता पहनकर उस रास्ते पर अच्छे से चला जा सकता है। लेकिन जूते चाहे कितने भी अच्छे हो, यदि उसके अंदर एक छोटा सा भी कंकर आ जाए तो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है।